सो अगर आप भी ब्लॉगर हो और आप एक वायरलेस माइक को सर्च कर रहे हो अपने मोबाइल फ़ोन के लिए, अपने आईफोन के लिए और अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए। और मेरे पास यहाँ पे बहुत ही कमाल का वायरलेस माइक जो कि आता है बोया की तरफ से, बोया BY-V1, जिसको मैंने खुद बाय किया है। ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि मुझे ब्रांड ने पैसे दिए और मैं पैसे कमा के वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसको मैंने खुद बाय किया अपने लिए। ये जो माइक है वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसको मैंने पूरा पूरा टेस्ट किया है, उसके बारे में वीडियो लेके आ रहा हूँ। और इसके क्या फीचर्स हैं, कैसे आपने यूज़ करना है और क्या इसकी खासियत है और कैसे आपने यूज़ करना अपने आईफोन के साथ। और अगर आपके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन है या फिर आपके पास आईफोन है तो दोनों के लिए वीडियो है कि जिसको चाहिए बजट के अंदर एक वायरलेस माइक और कहाँ से इसको बाय करना है और कितने में आपको ये पड़ेगा और मैंने इसको कहाँ से बाय किया है, वही सब कुछ समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, सुबह डाइवेज की चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है हमारा ब्रांड न्यू वायरलेस माइक जो कि आता है बोया की तरफ से, बोया BY-V1। और ये मेरा तीसरा माइक है बोया की तरफ से और इसको मैंने पहले खोल दिया है, प्रॉपर्ली टेस्ट किया मैंने, तभी आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा पूरा बॉक्स फट चुका है, सॉरी इसके लिए। और इस माइक का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से जाकर इसको बाय कर सकते हो। और अगर आपको बाय करना है अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए इस माइक को, तो उसके अंदर आपको मिलेगा सेम माइक एज इट इज़, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है सेम बॉक्स, पर उसके अंदर आपको मिलेगा USB टाइप सी का सपोर्ट। अब जैसे कि हमें यहाँ पे मिलता है लाइटनिंग पोर्ट का ऑप्शन, जिसकी वजह से आप इसको डायरेक्टली अपने आईफोन के साथ लगा सकते हो। और यहाँ से हमारा माइक आएगा बाहर और बहुत ही छोटू सा बॉक्स है और इसके अंदर आपको मिलती है डॉक्यूमेंटेशन। और यहाँ से हम निकालते हैं सबसे पहले इसकी चार्जिंग केबल को, जो कि हमें यहाँ पे मिलती है USB टाइप A टू USB टाइप C। और फिर हम निकालते हैं यहाँ से कि जो हमें लगाना है अपने आईफोन के अंदर, और यहाँ पे मिलती है लाइटनिंग पोर्ट कि जिसकी वजह से आप इसको अपने आईफोन के साथ लगा के बहुत अच्छे तरीके से अपने ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो अपने ब्लॉगिंग वीडियोज़ के लिए। और फिर हम निकालते हैं यहाँ से अपने माइक को कि जिसकी वजह से हम रिकॉर्ड करेंगे हाई क्वालिटी के साथ अपने ऑडियो को यहाँ से। और इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है माइक की, मतलब कि काफ़ी छोटू सा माइक है और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और बहुत ही हल्का है। और यहाँ पर आपको मिलता है क्लिप कि जिसकी वजह से आप इसको लगा सकते हो शर्ट के ऊपर, और इसको आपको लगाना है प्रॉपरली तरीके से कि जिसकी वजह से ये वाला पार्ट आपका ऊपर की साइड आ जाएगा, और इस तरीके से आपने इसको प्लेस करना है, ठीक है। ऐसे नहीं प्लेस करना, आपने प्लेस करना है कुछ इस तरीके से कि जिसकी वजह से आपको मिलेगी कमाल की परफॉर्मेंस। और यहाँ पे आपको मिलती है इंडिकेशन लाइट कि जिसकी वजह से आपको पता रह जाएगा कि आपका माइक ऑन हुआ है या फिर ऑफ है। और फिर आपको यहाँ पे मिलता है नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन, अगर आपके आसपास काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा शोर वाले इलाके में जाके व्लॉग कर रहे हो और आसपास काफ़ी ज़्यादा नॉइस आ रही है, और इसको ऑन करके आप काफ़ी अच्छे तरीके से ऑडियो के अंदर अपनी नॉइस को रिमूव कर सकते हो नेचुरली, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और फिर आपको यहाँ पे मिलता है ऑन ऑफ का स्विच कि जिसकी वजह से आप उसको ऑन कर सकते हो माइक को यहाँ से। और क्वालिटी वाला मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, जो इसका प्राइस है उसके अकॉर्डिंग ये बेस्ट है। और इसके अंदर आपको मिलता है ओमनी डायरेक्शन साउंड पिकअप और इसको आप चार्ज कर सकते हो USB टाइप सी से। और इस माइक की जो रेंज है आपको यहाँ पे मिलती है 50 मीटर की, और इसके अंदर आपको बैटरी बैकअप मिलता है 9 आवर्स का, मतलब कि आप इसको एक बार चार्ज करोगे तो एक बार चार्ज करने से आप इसको यूज़ कर सकते हो 9 घंटे तक, मतलब कि 9 आवर्स तक। और जो एंड्रॉइड के लिए माइक बना होगा उसके भी अंदर आपको मिलेंगे सेम फीचर्स, और उसको भी आपको ऐसे यूज़ करना है कि जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ओके। और इसको यूज़ करने से पहले सबसे पहले आपने इसको चार्ज करना है, और इसको चार्ज करने के लिए सिंपली आपने यहाँ पे लगाना है केबल को और यहाँ से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने अपने माइक को चार्ज करना है तो माइक को चार्ज करने के लिए सिंपली आपने माइक को लेके आना है यहाँ पे, और कुछ इस तरीके से आपने लगाना है अपनी चार्जिंग केबल को माइक के अंदर इंसर्ट करना है। और अगर आपकी माइक की बैटरी डाउन होगी तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कि रेड सिग्नल आ रहा है, इट मीन्स कि आपकी माइक की बैटरी डाउन है। और अगर आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि आपकी माइक की बैटरी फुल है। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं अपने आईफोन के साथ, और इसको आपने यहाँ पे लेके आना है और यहाँ से इसको करना है आपने कनेक्ट करना है अपने आईफोन के साथ, ठीक है। जहाँ पे आपका चार्जर लगता है आईफोन का, वहाँ पे आपने लगाना है इसको, और कुछ इस तरीके से आपका ये लग जाएगा। और जैसे ये कनेक्ट होगा तो आपको यहाँ पे लाइट शो हो जाएगी जो कि ब्लिंक करिए यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फिर आपको अपने माइक को ऑन करना है यहाँ से, जो आपको ऑप्शन दिख रहा है पावर ऑन ऑफ का स्विच, और आपने इसकी पावर को करना है यहाँ से ऑन, और यहाँ से हमारा माइक ऑन हो चुका है और यहाँ पे हमारी लाइट्स ब्लिंक हो रही हैं, इट मीन्स कि हमारा माइक कनेक्ट हो चुका है हमारे आईफोन के साथ, और सिंपली हमने करना है इसको यूज़। तो चलिए बाहर जाते हैं, बाहर जाकर टेस्ट करते हैं इस माइक को कि नॉइस कैंसिलेशन कैसी है और ऑडियो क्वालिटी हमें कैसी मिलती है इस माइक के अंदर बोया BY-V1 के अंदर। तो दोस्तों मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे बोया के BY-V1 माइक से, और आप जाना कमेंट्स के अंदर कि आपको ऑडियो रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस करो कि इसका क्या फ़ायदा होता है वायरलेस माइक का, कि अगर आप अपने फ़ोन से दूर भी जाते हो, अब जैसे कि मेरा माइक यहाँ पे लगा हुआ है और जो मेरा फ़ोन है वो वहाँ पे है, ठीक है। अगर मैं अपने फ़ोन से दूर जाता हूँ या किसी ऐसी प्लेस पे हूँ जहाँ पे मुझे व्लॉगिंग करनी है पर मेरा फ़ोन दूर है, ठीक है, दूर रख के मुझे सब कुछ दिखाना है और बोलना भी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अपने फ़ोन से दूर जाके भी अपने ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकता हूँ, लाइक कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर आपको मिलती है 50 मीटर की रेंज, और अगर आप यहाँ पे देखोगे और मुझे जाना आसपास का शोर कितना आ रहा है, क्योंकि मैं जान के बाहर आया हूँ टेस्ट करने के लिए कि अगर आसपास का शोर भी आता है। और इसका ये बेनिफिट होता है कि आप अपने फ़ोन से कहीं भी दूर जाके अपने ऑडियो को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी व्लॉगिंग वीडियोस के लिए। तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बोया के माइक से,
बोया बी वाई वन से, और आप मुझे जाना कमेंट्स के अंदर कि ऑडियो क्वालिटी अब कैसे आ रही है। और यहाँ पे मैंने ऑफ किया हुआ है नॉइस रिडक्शन वाले ऑप्शन को, और इस माइक के अंदर आपको मिलते हैं दो मोड्स, नॉर्मल मोड और नॉइस रिडक्शन वाला मोड, कि आप चूज़ कर सकते हो कि आपने कौन से मोड के ऊपर अपने ऑडियो को रिकॉर्ड करना है। और अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे तरीके से अपने व्लॉग को शूट कर पाओ और आसपास का शोर मतलब कि ज़्यादा ना आए आपकी वीडियो के अंदर, तो फिर आप नॉइस रिडक्शन को ऑन करके इस माइक के अंदर उसको यूज़ करके काफ़ी कमाल का ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो यहाँ पे। और इसको मैंने बाय किया है अमेजोन से, और इसका मुझे प्राइस पड़ा है 2100, मतलब कि 2100 का मैंने इसको बाय किया है डिस्काउंट के अंदर। और कई बार इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपने चेक करना कि जैसे इसका प्राइस कम होगा तो आपने वहाँ से इसको बाय कर लेना आराम से। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।